अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ मौजूद हैं क्लास 6 के लेक्चर नंबर 35 के साथ, जिसमें आज हम आपको एक्सरसाइज 8.6 का नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे। होप सो आपने पिछले क्वेश्चन का होमवर्क भी किया होगा और प्रैक्टिस भी। मैं अपने क्वेश्चन को राइट करती हूँ। आपको बताया गया था कि जब बार वाली वैल्यूज आ जाती हैं तो उनमें हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि जिन दो वैल्यूज के ऊपर बार है उन वैल्यूज के पीछे वाली वैल्यू के साथ क्या कौन सा साइन है, प्लस है या माइनस। अगर तो बार वाली वैल्यूज के साथ माइनस का साइन आ रहा है तो उस बार का मतलब है कि वो साइन चेंज करेगा अपने मौजूद नीचे साइन का, ठीक है। और अगर उसके बार वाली वैल्यू उसके पीछे प्लस का साइन है तो उस बार का मतलब है कि वो साइन चेंज नहीं करेगा। कौन सा साइन चेंज? यहाँ पे अगर आप देखें बार जो है 2-x के ऊपर है, 2-x के पीछे देखिए माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो इट्स मीन ये बार इस वाले माइनस को जो कि बार के नीचे है साइन उसको चेंज कर देगी। अगर यहाँ पे प्लस होता तो इट्स मीन इस बार में इस साइन को चेंज नहीं करना था, ठीक है। मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन को रीराइट कर लें। ये मैंने अपने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया और अब देखें देखा जाए तो इसने जस्ट मुझे x की वैल्यू दी है, ठीक है, और कहा है कि इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करें जब आपके पास x की वैल्यू क्या हो, 1। जब आपके पास x की वैल्यू 1 हो तो आप एवेल्युएट करें क्या, 1। देखिएगा अब जहां जहां इस क्वेश्चन में x आ रहा है मैं वहां वहां पे 1 पुट करूंगी। यहाँ पे ओनली 1 एक ही जगह पे 1 था, मैंने उसको उसकी जगह 1 लिख दिया। अब मैं उसको वैल्यूएट करूंगी। सबसे पहले ब्रैकेट्स में बार सॉल्व होती है और बार का मतलब है मैंने अभी आपको बताया, तो ये बार के नीचे जो वैल्यू है सबसे पहले वो चेंज होगी, 2-2+1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट सॉल्व होगी, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 इसको कैंसिल कर देंगे, राउंड ब्रैकेट के अंदर ओनली प्लस 1 रह जाएगा। अब आप इस प्लस 1 को ब्रैकेट से बाहर निकाल दें, क्यों? क्योंकि जब ब्रैकेट में सिंगल वैल्यू रह जाती है तो आप तब उसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, 2-, अब कर्ली ब्रैकेट की बारी आ गई, कर्ली ब्रैकेट में 2-1 है, 2 में से 1-1 करेंगे तो अगेन 1 आएगा। अब कर्ली ब्रैकेट में भी ओनली सिंगल वैल्यू मौजूद है तो इसको भी हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल देना है। अब आपके पास आ गई स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में भी सेम 2-1 है, 2 में से 1-1 करेंगे तो 1 आएगा, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दें। अब आपके पास जस्ट रह गया है 2-1, ठीक है, तो 2-1 का मतलब है 1।
ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आप इसको दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगी। और डायरी में दोबारा गेम प्रैक्टिस करेंगे, होप सो आपको जरूर समझ आएगी। और डायरी में आपके पास है डू प्रैक्टिस ऑफ सीवर, किसी क्वेश्चन की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।